हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर ऑफ शाह। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से ड्राई गोभी की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप जो है इसे लंच में, डिनर में या जो है लंच बॉक्स में बच्चों के लिए सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ पर जो है मैंने एक जो है मीडियम साइज की तकरीबन जो है 250 ग्राम फूल गोभी ली है। सबसे पहले जो है हम इसे कट कर लेंगे। गोभी को जो है हमने अच्छी तरीके से कट कर लिया है। अब जो है 2 से 3 पानी से इसे जो है अच्छी तरीके से हम वॉश कर लेंगे। यहां पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले जो है 2 टेबलस्पून हम इसमें तेल डाल देते हैं। यहां पर गर्म हो चुका है। यहां पर जो है मैंने 1 टीस्पून जीरा लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। यहां पर 2 तेज पत्ते लिए हैं, ये इसमें डालेंगे। जो है चला लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली है, जिसे जो है मैंने ग्रेट कर लिया है। आप जो है बारीक सा भी जो है काट सकते हैं, ये हम इसमें डालेंगे। प्याज को जो है हम हल्का सा गोल्डन ब्राउनिश होने तक जो है अच्छी तरीके से जो है हम फ्राई कर लेंगे। तो जो है आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से हमारी फ्राई हो चुकी है, हमें ऐसी ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन हरी मिर्च का दरदरा सा पिसा हुआ पेस्ट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। मसाले में अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो है अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से जो है प्याज के साथ फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर जो है मैंने एक बड़ी साइज की टमाटर ली है, जिसे जो है मैंने ग्रेट कर लिया है। आप जो है इसकी जगह पे प्यूरी भी डाल सकते हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। इसके साथ जो है ड्राई मसाले पाउडर भी ऐड करेंगे। यहाँ पर जो है मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ली है, ये हम इसमें डालेंगे। आज जो है यहाँ पर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ली है। हमने हरी मिर्च भी इसमें डाली है और हम इसमें लाल मिर्च भी हल्की सी डालेंगे। आप अगर चाहो तो जो है हरी मिर्च और लाल मिर्च जो है अपने हिसाब से तीखा जो है कम ज्यादा कर सकते हैं, ये हम इसमें डाल देते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने 1/2 टीस्पून घर का पिसा गरम मसाला लिया है, ये हम इसमें डालेंगे। आज जो है यहाँ पर जो मैंने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ली है, ये हम इसमें डाल देते हैं। तो जो है आपस में अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। पर आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से जो है हमने मसाला फ्राई कर लिया है। हल्का हल्का सा जो है ऑयल भी जो है रिलीज हो चुका है। अब उसके बाद जो हमने गोभी को जो है कट कर रखा है, ये हम इसमें डाल देंगे। गोभी में को भी जो है मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे। हमने मसाले में अच्छी तरीके से जो है मिक्स कर लिया है। अब उसके बाद जो है 1/2 कप यहाँ पर जो है मैंने लूक वार्म वाटर लिया है, ये हम इसमें डालेंगे। इसे आपस में मिक्स कर लेते हैं। चीजों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब जो है इसे ढककर अपनी फ्लेम को मीडियम लो करकर 5 से 7 मिनट के लिए जो है मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे दम पर जो है पका लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, एक दफा हम इसे चला लेते हैं। दोबारा से ढककर जो है हम 4 से 5 मिनट से और पका लेंगे। 6 मिनट हो चुके हैं, चलिए देख लेते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी जो है पूरा हमारा जो है सूख चुका है पूरी तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली सी जो है सूखी हमारी गोभी की सब्जी बनकर बिल्कुल यहाँ पर तैयार हो चुकी है। जो है हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और ऊपर से जो है हल्का सा हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। यहाँ पर हमारी गोभी की सूखी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी जो है चटपटी हमारी ड्राई गोभी की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप जो है इसे पराठे और नान के साथ जो है खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही बड़ा बढ़िया मज़ेदार सा इसका टेस्ट है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। अपना खूब सारा ख्याल रखें।